नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल कोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, हम लोग जो अभी खड़े हैं, जिस पंचायत में खड़े हैं, इसका नाम बगदरी पंचायत है और ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आता है। इसका जो जनपद पंचायत है चितरंगी, सबसे बड़ी बात, अभी चुनाव से पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और पब्लिक से इसमें हम लोगों ने पब्लिक से बात भी किए थे, उनसे मिले भी थे और उनकी समस्याओं को जो जाना था। और जो मोहल्ला था वो हरजन मोहल्ला था। बता दें, वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी रोड, पानी और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे निकल के आई थी टावर की, मतलब मोबाइल नेटवर्क का। यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने कंपनी से, जो कंपनी वाले हैं टावर वाले, उनसे बात की और संपर्क भी इशारा किया कि यहाँ पे टावर का जो है समस्या क्यों है। थोड़ा सा भाई रुकना, ठीक है ना। हम लोगों ने वहाँ पे उनसे पूछा कि समस्या क्या है, टावर क्यों नहीं है यहाँ पर। तो उनसे बात जब किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों की टीम जो है वहाँ पे सर्वे की है। ये जो बगदरी का इलाका है बहुत ही डाउन है और जो प्राइवेट लैंड है गुनर्रा में, कहीं भी किसी के पास में प्राइवेट लैंड नहीं है, जिसके कारण हम लोग टावर लगाने में यहाँ पे असमर्थ हैं। और जो टावर का रेशियो है, कम से कम 1 लाख रुपए का मंथ का जो होता है उसका खर्च है, जो अर्निंग करना बहुत अनिवार्य है, जिसके कारण से प्राइवेट लैंड ना होने के कारण पे जो है यहाँ पे टावर नहीं लग पा रहा है, जिससे जो है यहाँ की जनता जो है वंचित है मोबाइल टावर से। चलिए आइए जुड़ते हैं और कुछ लोगों से बात भी करते हैं। पहले तो हमारे साथ गुरुदेव हैं, इनसे जानने। इनका नाम क्या? नाम क्या है? हीरा लाल तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष। ये अवधेश यादव ग्राम बगदरी के निवासी हैं और ग्राम कंधे से कंधे मिला करके चले हैं, मुझे ये जानकारी हुई है हर समय। और अवधेश यादव का यहाँ का जो पब्लिक है, वो पब्लिक इनको आज से नहीं पूर्व से ही ये मान के चली थी कि यही हमारे दुख दर्दों में हर समय शामिल होते हैं। और हमसे भी एक बार इनसे फोन से बात हुई थी कि हम पंचायत बगदरी में और चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा है और आपका विजय प्राप्त होगा। इनकी सोच थी कि कुछ जगहों में बगदरी में रोड नहीं है, बिजली नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास रहने के लिए कुछ लोगों के पास मकान नहीं है। तो हम के निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी होगा वो हम सहयोग करेंगे। और आज तो ये स्वयं सरपंच हो गए हैं आपके आशीर्वाद से, आप सरपंच हैं। ये अवधेश यादव सरपंच नहीं है, ये मंच पे बैठेंगे, ये मंच पे बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे तो जिधर बजनी होता है वो कांटा नीचे होता है और जो हल्का होता है वो कांटा ऊपर हो जाता है। आप देखते हैं तो ऊपर बैठने वाला ये अवधेश यादव 5 वर्षों तक आपके बीच में सरपंच रहेंगे, आपसे हल्का रहेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे, ये मेरी बात इनसे हुई है, इसलिए आपके कंधे से कंधे मिला करके चले। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपके तो मित्र हैं। देखिए, अवधेश जी से जब हमारी संपर्क हुई है, उस हिसाब से जब कभी बातचीत होती थी तो इनके दिलों में हर समय गरीबों के प्रति, दुखी प्राणी के प्रति दवा से दारू से जो जितना हो सकता है इन्होंने प्रयास किया मदद करने की, लोगों की सेवा करने की, भाव सेवा की जो इनकी है, इनको निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे लेके जाएगा और सेवा इनकी भाव इनको शिखर तक पहुंचाएगा। अवधेश जी की बात और जो दिल में जगह है जनता के प्रति, वो समय बताएगा कि अवधेश जी जनता की सेवा किस तरह कैसे करते हैं। हर व्यक्ति ये जानता है कि अवधेश जी क्या है। आइए सीधे जुड़ते हैं, जो अवधेश जी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अब तो आप सरपंच बन गए हैं, सरपंच जब नहीं थे उससे पहले भी बहुत कार्य करते थे गांव के लिए, अब जो है क्या करेंगे नया? हम नई सोच, नई विचार, मेरी पीछे क्या किया हुआ कि मुझसे मतलब, मेरे को नई सोच से चलना है, नई नई विचार होगी पंचायत के, मेरा अलग ही विचार चलेगी, जितना हमसे हो सकेगा वो नया विचार लेकर काम करूंगा। पीछे कार को मैं दिखना नहीं, हमको पीछे कौन क्या, मेरे को आगे ले चलना, पीछे कार पर हमको आना नहीं, कल्याण हो जाना, गरीब कल्याण हो जाना। क्या नाम है आपका? गोविंद जी। आप? मेरा नाम गोविंद प्रसाद यादव है। प्रस्ताव रखेंगे, मैं
वैसे अनपरा में रहता हूँ लेकिन मेरा ग्राम पंचायत बगदरी है। और पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने अवधेश यादव को चुने, जो भी इनके दरवाजे पे कभी भी गया हाथ नहीं लौटा। और ये ग्राम बगदरी का पंचायत तक का सोच नहीं रहेगी, आगे आने वाले समय में जिला पंचायत से लेकर के विधान परिषद तक की सोच रखी गई है। और आने वाले समय में पंचायत में किसी का दखल नहीं चल पाएगा। सच की जीत है और बहुत अच्छे प्रत्याशी चुने गए हैं और एक सभी समुदाय के लोग चुने हैं, न कि यादव समुदाय चुना है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के इनको चुने हैं और ये सब पे विकास पे खड़े उतरेंगे। इनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है और समाज के प्रति सोच बहुत बेहतरीन है। और जुड़ते हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण माता की। इधर आजा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल जायसवाल नाम है मेरा। ग्राम बगदरी में मेरा मकान है, मैं ड्राइवर हूँ। अवधेश यादव जी हमारे गुरु हैं, उनके गाड़ी चलाते हैं आप? हम DBL दिलीप बिल्ड कॉन में ड्राइवर हैं। क्या चाहते हैं गांव में, क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हमारे यादव जी जितने वादा किए हैं जो सोच लिए हैं वो सब पर खरे उतरेंगे। भ्रष्टाचार अत्याचार हमारे गांव का खत्म होगा, हमारी बगदरी नए पर प्रगति करेगी, विकास के रास्ते पर एकदम आगे बढ़ेगी। चलिए बने रहे पोल कोल पोस्ट के साथ, कैमरामैन टोनी के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।